नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। नवादा के लोकप्रिय सांसद विवेक ठाकुर का स्वागत और अभिनंदन बिहार प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा बागवानी प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के द्वारा भगवान विष्णु चरण चिन्ह अंग वस्त्र और फूलों का बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि ये सम्मान समारोह सांसद विवेक ठाकुर के समर्पण, जनसेवा और नवादा क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि विवेक ठाकुर ने नवादा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके कुशल नेतृत्व में नवादा लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए सांसद विवेक ठाकुर ने नवादा की जनता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प दोहराया और कहा कि वह क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। स्वागत करने वालों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता जिला महामंत्री गोपाल प्रसाद यादव, जिला मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर आदि रहे। स्वागत किए हैं आप लोग। आज हम लोग नवादा प्रधान सर श्री विवेक ठाकुर जी को हम लोग आज बुक के पुष्प और विष्णु चरण और सॉल देकर उनको सम्मानित किए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि नवादा जिले के पूरे उन्नति की ओर ले जाएंगे। हम लोग उन्हीं से पूरा उम्मीद है और आशा भी है कि नवादा जिले के वासी लोग भी पूरा उम्मीद किए हैं, वो हमेशा प्रगति पर नवादा जिले ले जाएंगे। और वो भी अभी नया नया कार्य भी लाए हैं, जैसे में पावर ग्रिड का है, रोड का काम है, वो सारा दिल्ली से सेंशन करवा के लाए हैं। यहाँ की जनता उनसे बहुत उम्मीद है, उम्मीद करती है और उम्मीद पर खड़े उतरेंगे भी हम लोग। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा, भाजपा नेता, गया जी बिहार। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।